नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर छाऊ नृत्य के एक कलाकार जुड़ रहे हैं। और वो कलाकार इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अहम हैं, क्योंकि वो मौजूदा दौर में इस नृत्य शैली के सबसे सशक्त नाम है, सबसे मजबूत नाम है। मैं बेहद विनम्रता से स्वागत कर रहा हूँ सशाधर आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। जैसा मैंने आपके परिचय में कहा शशाधर जी, कि ये पहली बार कोई इतने महीनों से, सालों से बल्कि हम लोग इंटरव्यू सीरीज कर रहे हैं, लेकिन छाऊ से जुड़ा कोई कलाकार पहली बार हमसे जुड़ा है, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपनी नृत्य शैली के बारे में ही बताइए कि नृत्य शैली जो है वो किस तरह से, उसका इतिहास क्या है और अभी मौजूदा स्थिति क्या है। ऐसा है कि देखिए, भारत के जितने प्रकार के नृत्य है, हर नृत्य की उत्पत्ति और विकास के बारे में ये कहा गया है कि किसी ना किसी खास जगह से, किसी ना किसी खास व्यक्ति समूह से, किसी ना किसी परिस्थिति में इन कला का जन्म हुई है। और कला एक जगह से जन्म होती है और फिर उसको पालने वाले कलाकार, हम जो कलाकार है हम उसको पालते हैं, वो हमारे कला एक बच्चे की तरह है। जैसे परिवार में कला पैदा होगा, उसी तरह से उस कला की भरण पोषण सब कुछ होगा, देखभाल, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होगा। लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि मैं अपने जो स्टाइल है उस स्टाइल के बारे में यही कहूंगा कि कुछ नृत्य मंदिरों से, कुछ नृत्य राजा के दरबार से, कुछ नृत्य हमारे त्योहारों से, कुछ नृत्य एक सामूहिक भीड़ से, लेकिन ये नृत्य राजा के ना दरबार से, ना मंदिर से, ना ये राजा के कैंटोनमेंट से शुरू हुआ है, क्योंकि छावनी से, इसलिए छाऊ कहा जाता है, छावनी से नृत्य था। क्योंकि हम अंग्रेजी में मार्शल आर्ट कहते हैं, लेकिन हमको मार्शल आर्ट का उचित वो नहीं लगता है। मुझे लगता है कि भारतीय युद्ध कला से प्रेरित जो नृत्य कलाएं हैं,
आपको पता है कि भारत में हमारी भारतीय जो युद्ध कला है उसका अवशेष तीन ही बचा है, एक है कलरी, थांका और छाऊ का हरिखंडा। कलरी से कुछ अंश गया हुआ है वहां के नृत्यों में, थांगथा से कुछ अंश मणिपुर में गया हुआ है, लेकिन छाऊ में पूरी की पूरी भारतीय युद्ध कला की जो टेक्निक थी वो उसका टेक्निक है छाऊ की। तो इसीलिए कहा जाता है, शॉर्टकट में सब लोग अंग्रेजी में कहते हैं कि मार्शल आर्ट बेस्ड डांस है, मार्शल आर्ट बेस्ड डांस। देखिए शुरुआत होती है, एक आदमी एक सशक्त परिवार में पैदा होता है, फिर उसका कैरेक्टर सॉफ्ट भी तो होता है ना, वो आगे चलकर जब बड़ा होता है धीरे धीरे सब समझने लगता है, जो परिपक्व होता है तो वो समझने लगता है चीजों को। इसी तरह से कला भी है, कला भी ठीक उसी तरह से चीजों को ग्रेव करता है, आसपास की चीजों को, जिस जगह में पैदा होता है उस जगह का खान पान, रहन सहन, वस्त्र परिधान, खांचा, जो जी सामान हमको उपलब्ध है उसी को लेकर वो कला बढ़ती है ना। तो छऊ एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो योद्धाओं का परिवार था, जो योद्धा की कैरेक्टर को लेके छाऊ चला कुछ दिन तक। ऐसे कहा जाता है, मेरे रिसर्च के दौरान मुझे मिला है कि 1205 एडी में छाऊ की जन्म की पता चलता है, क्योंकि पहला जो डायनेस्टी सिंहभूम डायनेस्टी पोड़ाहाट में 1205 एडी में स्थापित हुआ, उसी पोड़ाहाट में जब उन्होंने सैन्य सामंत को जो राजा थे, जो वो बूढ़े समय में आए थे उनके, इसलिए उनका नाम था दर्प नारायण सिंह देव, सिंह देव, ठीक है, ये राजस्थान से आए थे, राजा लोग राजस्थान के थे, मैं आपको पूरा बताता हूँ यहाँ से। और तब ये जगह ओड्रो देश में था, उड़ीसा में था, ओड्रो देश तब हमारा भारत में ये स्टेट नहीं था ना, ओड्रो देश, पांचाल, मगध, वमुग्र, ये देश था, तो ये ओड्रो देश के अंडर में था। और ये जो जगह आज सरायकला जिसके नाम पर नामी थे छाऊ की जगह, ये पूरा सारंडा, सेवन सारंडा हिल्स के बीच में है, जो उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ तक वो सेवन सारंडा हिल्स है। और वहां कौन थे, वहां लोग जो बसवास करते थे, वहां दो तरह की जाति होते थे, आज जिसे हम ट्राइबल कह रहे हैं ना, हम लोग हो, माझी, उरांव ये कहते थे ना, तो उसमें दो ही जाति होती थी, एक होती सरका, दूसरा होता था भुइया। सरका जो जाति थी वो सरका जो जाति थी वो खेती बाड़ी करने वाला जाति थी, और भुइया जो जाति थी वो शिकार करने वाला जाति था। उसी उन्हीं के डिसेंडेंट आज आपको उसी एरिया में पूरा छोटानागपुर संथाल परगना में मिलेगा, पूरा उड़ीसा बेल्ट में मिलेगा आपको, वही आज नाम बदल गया है, ओ कोल ये कहते हैं, लेकिन वही लोग, उनके ऊपर शासित करने के लिए ये राजा आया और उन्हीं के लोगों को अपना वॉरियर बनाया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि छऊ जिस जगह में पला है, इसलिए इसलिए उस जगह का महत्व है कि वहां नेचुरल सोर्सेस बहुत था, इसीलिए छाऊ के टेक्निक में एनिमल्स, बर्ड्स, बीच की मूवमेंट को इमिटेट कर योद्धाओं ने अपने शरीर में किस तरह से उतारा और वो कैसे नृत्य बनाया, कैसे डांस बनाया, कैसे नाच बना, यही छऊ का महत्व है। तो वो एरिया जो दो तरह के लोग थे उन दोनों को रखा, और बाद में राजाओं ने, समय बीतता गया, लेकिन मैं हमेशा तीन राजाओं को बहुत महत्व देता हूँ कि तीनों राजाओं के समय में बहुत डेवलप हुआ छाऊ में, राजाओं की बहुत देन है। क्या देन है मैं बताता हूँ। पहला दर्पनारायण सिंह ने शुरुआत किया, धीरे 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 समय बीतता गया, जाके 16th century में 16वीं शताब्दी में सरायकला का डायनेस्टी स्थापना हुआ। ये जो सिंहभूम डायनेस्टी है ये चार जगह उठ के खड़ा हुआ है, पहले पोड़ाहाट, पोड़ाहाट से हाट गमारिया, हाट गमारिया से नदी के पास में, फिर जब बह गया पानी में सब उनका, उसके बाद उन्होंने 16th century में, अब जो आप राजा के घर हमारे सरायकला में देखेंगे वो 16वीं शताब्दी की है। वहां सरायकला आने के बाद धीरे 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 वो जो युद्ध विद्या था, युद्ध कौशल था, वो नाच में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे ग्रेजुअली। फिर राजा ने अपने राजत्व को बढ़ाने के लिए ओड्रो देश से, यानी कि पूरी की गजपति से कुछ सैन्य मंगवाया, ठीक है, कुछ लोगों को माइग्रेट करवाया, बोला कि भाई कुछ लोग दो तभी तो मेरा राज्य बढ़ेगा। तो उड़ीसा, हम जैसे लोग उड़ीसा से आए हैं, हम वहां के ओरिजिनल निवासी नहीं है, हम 16th century में राजा ने हमको लाया है, और हम, हमारी जो परिवार आई थी, हमारे परिवार पंडितों की परिवार है, और पंडित की परिवार हम राजा के राज पुरोहित कहलाते थे, हम राजा के पूजा वगैरह जब भी अर्चन था वो सब हम करते थे, लेकिन हमारे फैमिली के साथ एक ट्रेडिशन रहा कि हमेशा एक डांसर पैदा हुआ, पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं पता है ना, लेकिन ये चला मेरे पिताजी तक। मैं 5वीं जनरेशन का डांसर हूँ इस छऊ का, 5th पीढ़ी का, ठीक है।
मेरे बाद मेरे मेरे पिताजी तक तो एक भाई था। और पंडित जी आप तो पांचवी पीढ़ी के कलाकार हैं, तो मतलब आपके तो रग रग में कह सकते हैं वो कला और वो कौशल है, क्योंकि पांच पीढ़ी बहुत होती है एक नृत्य को समर्पित करने के लिए। मैं तभी ये कहता हूँ कि देखिए जब अभी बातचीत होती है कि भाई ट्रेडिशन क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, मैं तो गुरु शिष्य परंपरा को कहने देता हूँ, क्योंकि हमने जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरुओं से शिक्षा ली, या मेरे पिताजी से जो मैं शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा ली, वो ऐसा शिक्षा नहीं था कि जैसे स्कूल में आया, एक घंटा पढ़ाया, दो घंटा पढ़ाया, तीन घंटा पढ़ाया, फिर घर चले गए और वाइप आउट हो गया दिमाग से, ऐसा नहीं। हम लोगों की शिक्षा ऐसा कि मेरे पिताजी जब घर आए तब एक क्वेश्चन पुट कर ले, तब एक बात पर बातचीत होती है, अगर मन करा तो चलो जी उठ के खड़ा होकर दिखा दिए, फिर मैंने थोड़ा दिखाया, इस तरह से हमारी शिक्षा बढ़ी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कला घर से ही देखा था मैंने, बचपन जब पैदा हुआ तो भाई घर से ही देख रहा था, देखते अचानक एक दिन मैं पिताजी को बोला कि पापा मैं डांस सीख रहा, मम्मी के थ्रू से बोला, क्योंकि पापा से मैं डरता था, ठीक है, तो मम्मी के थ्रू से बोला कि मम्मी जरा पापा को बोल दो कि मुझे भी डांस सिखा दे। तो जैसे ही मेरे मम्मी ने पापा को कहा तो पापा ने कहा ठीक है ना, दूसरे लड़के आ रहे हैं उनके साथ नाचो। मतलब देखिए किस तरह से एक गुरु शिष्य परंपरा की ट्रेनिंग जो होती थी, या जो समझ देते थे किस तरह से कि भाई तुम मेरे लिए बराबर हो, उनके जो मैं जिनको सिखा रहा हूँ, तुम मेरे बेटे हो तो क्या हो, लेकिन तुम उनके बराबर हो, उनके साथ आओ, नाचो, सीखो, मना नहीं है मुझे। तो मैंने सीखना शुरू किया, और सीखना शुरू करने के बाद जब मैं पिताजी से बहुत दो चार साल सीख लिया, तो उसके बाद शायद मैं 8th या 9th में पढ़ता था, 8th में, तो मुझे वो एक और गुरुजी के पास भेजे, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे अलावे चार गुरु सरायकला में और जीवित है, उनके पास भी कुछ गुण है जो मेरे पास नहीं है, या जो उनके मेरे पास है वो उनके पास नहीं है, आप सभी गुरुओं के पास जाओ, सभी से थोड़ा थोड़ा सीखो। मैंने हर गुरु से पांच गुरु से, मैं मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही सोचिए कि 21-22 साल का है, 21-22 साल तक मैं गुरुओं के साथ रहा, गुरुओं से सीखा, और एक एक छोटी छोटी बारीकी की चीजें, छऊ की विशेषता क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरे नृत्यों से छऊ क्यों भिन्न है, छऊ डांस एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसको आप होटलों में नहीं कर सकते हैं, शादियों में ब्याह में नहीं कर सकते हैं, मतलब ये एक अलग किस्म का है, और इसका महत्व इसलिए भी है कि ये टोटली जिसको हम आज वेस्टर्न में कहते हैं ना फिजिकल थिएटर, टोटली बेस्ड ऑन आंगी का अभिनय, शरीर से ही हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम मास्क लगाते हैं, मुखौटे की प्रयोग होती है, तो चेहरे से कम शरीर से ज्यादा हम बात करते हैं। और मालूम है कि दूसरे हमारे जितने डांस फॉर्म है, आपने अपने लैंग्वेज से बात करते हैं, आप जबकि भरतनाट्यम जाएंगे तो आपको तमिल सीखना पड़ेगा, है ना, कथकली सीखना है तो आपको केरल की भाषा सीखनी पड़ेगी, है ना, तो इसमें वो भाषा का भार नहीं है, बॉडी लैंग्वेज यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वेस्टर्न भी जाइए जहां जाएंगे ना, आपका शरीर का भाषा सभी लोग समझते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी चीज है छऊ की महत्व में क्या है कि एक तो ये फिजिकल थिएटर टोटली फिजिकल है, कंप्लीट फिजिकल है, दूसरा इसका एक महत्व और है कि मुखौटे के प्रयोग से हम अपनी आइडेंटिटी खोकर, मैं खुद का आइडेंटिटी खोता हूं और उस करेक्टर को पे चला जाता हूं जो करेक्टर को ऑन स्टेज में पेंट करता हूं। अगर मैं सूर्यदेव बनाऊं, अगर रात्रि हूं या मयूर हूं या हंस हूं, कृष्ण हूं, राधा हूं, कोई देखिए हमारे हमारे ट्रेडिशन में पहले तो फीमेल नहीं थे, पहले तो मेल ही सब करते थे, मेल डूइंग फीमेल रोल, कौशिक की वृत्ति होती थी, और छऊ पूरी कौशिक की वृत्ति पर टिकी हुई है। अभी भी हमारे यहाँ लड़के ही लड़की बनते हैं, भले हम लड़कियों को प्रवेश करवा दिए हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन लड़के जो लड़की बन के करते हैं, अगर मास्क पहनते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं, स्टेज में जाते हैं, तो गांधी जी जो अगर धोखा खा जाते हैं तो हम तो धोखा खाएंगे ना। गांधी जी ने मेरे गुरु जी को देखा था और कहा था कि तुम उनको बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर को कि आपने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा क्यों, कहते कि लड़कियों का डांस तुमने दिखा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला नहीं ये भ्रम रहिए, मैं बुलाता हूँ, वो मेरे गुरु जी को बुला के लाए, सामने खड़ा कर दे, बोले देखिए ये मेल है, फीमेल नहीं है, आप गड़बड़ कभी नहीं, तो सोचिए वो धोखा खा जाते हैं, तो जनरल आदमी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी खोकर हम उस आइडेंटिटी पे चले जाते हैं जो करेक्टर को हम ऑन स्टेज प्रेजेंट करते हैं। एक तो ये हुआ, दूसरा इसकी ताल, इसकी ट्यून, इसकी कॉस्ट्यूम, इसकी मास्क बिल्कुल दूसरे नृत्यों से भिन्न है, और इसको पेश करने का तरीका जिसे हम मार्गम कहते हैं ना, वो मार्गम भी अलग है, क्योंकि क्योंकि
ये योद्धाओं से प्रेरित है और एनिमल वर्ड्स बीच की मूवमेंट को इमिटेट कर कर योद्धाओं ने किस तरह से, जैसे बाघ चाली है, देखिए शास्त्र में भी है व्याघ्र गति, उरंग हिरण का है ना, ये सब है एनिमल्स की चालें हैं, लेकिन उन एनिमल्स की चालों को मार्शल आर्ट में, मतलब युद्ध विद्या में कैसे, जैसे रेम फाइट, भेड़ की लड़ाई, मेना तेलिया बोलते हैं हम लोग उसको ओडिया में, है ना, भेड़ कैसे फाइट करते हैं, उसी तरह से आपको मैं अगर ये मूवमेंट दिखाऊंगा सॉफ्ट में तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो भेड़ की फाइट नहीं है, लेकिन कितनी चालाकी से और बहादुरी से हमारे गुरुओं ने, देखिए आज हम कुछ कुछ चंद अंग्रेजी शब्दों को ले लिए हैं, जैसे इम्प्रोवाइजेशन, कोरियोग्राफी, है ना, ये अगर आप शुरुआत में देखेंगे हमारे गुरुओं ने जितनी इम्प्रोवाइज किया ना, उतनी इम्प्रोवाइज तो हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो डांस को बनाया ना, जिस जो चीज को बनाया वो कितनी इम्प्रोवाइज किया होगा अपनी जिंदगी में, तभी जाके एक चीज बनी है और अच्छी सुंदर लग रही है ना। तो ये इस नृत्य की महत्व है, और इस नृत्य में क्योंकि हम मुखौटे की प्रयोग करते हैं और मुखौटे से हम अपने कैरेक्टर को बदलते जरूर हैं, लेकिन अभिनय तो हमें चेहरे से करनी पड़ती है अंदर, और उसी का रित, क्योंकि अभिनय के साथ ही आंगिक अभिनय जुड़ी हुई है, उसीलिए जो लोग पूछते हैं कि आप तो एक ही मास्क पहनते हो स्थाई भाव है, तो मैंने कहा कि जब हम संचारी भाव करते हैं ना तो आपको दिखता है, आप समझते हो कैसे, जैसे रात्रि में मैं मास्क पहनता हूं और मैं इस यहां तक लुक देता हूं नीचे, जब मुझे उसका स्वरूप बदलना होता है, अगर उसको बड़ा रूप में दिखाना है तो मैं ये हेड को उठाता हूँ, ये तो ग्रीवा भेद आ गया ना, शास्त्र में ग्रीवा भेद है, तो ग्रीवा भेद के जरिए वो मास्क संचारी में चला जाता है। दादा इसी वक्त ये भी बता दीजिए कि जो छाऊ की विषय वस्तु है, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, उसकी विषय वस्तु में बहुत सारी चीजें हैं, छाऊ छावनी से निकला हुआ नृत्य है, इसलिए इसके विषय वस्तु में किस तरह की विविधता है, किस तरह की चीजें हैं, इस पर भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए जब शुरुआत में छाऊ हुआ, जब मतलब कि मैं छाऊ की जो पूरा पीरियड है उसको तीन भागों में बांटता हूँ, अखाड़ा सिस्टम से पहले, अखाड़ा सिस्टम और अखाड़ा के बाद जो अभी चल रहा है, ठीक है। अखाड़ा सिस्टम से पहले केवल एनिमल्स इन डांस थी, ये अलग अलग ढंग से इसको बनाकर, और मास्क का ट्रेडिशन में भी अलग अलग आया, क्योंकि पहले लकड़ी आया, पत्ता आया, लकड़ी आया, पंपकिन आया, वो कपड़ा आया, वो धीरे 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 मास्क भी बढ़ता गया, तो उसी हिसाब से फिर एक समय आया जब हम अखाड़ा सिस्टम बोलते हैं, उस समय में करेक्टर आया, महाभारत, रामायण, इसके करेक्टर के ऊपर डांस हुआ, स्टोरी नहीं था, बिल्कुल स्टोरी नहीं था, लेकिन 19th century में 19वीं शताब्दी लास्ट राजा आदित्य प्रताप सिंह का ब्रदर विजय कुमार, विजय प्रताप सिंह, उन्होंने इस नृत्य को एक अलग दिया, क्यों कि जब आपको पता होना चाहिए, मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि 1933 में पहला डांस है जो सरायकला छऊ जो विदेश गया था, उसके बाद सभी लोग विदेश गए हैं, उससे पहले हमारा कोई भी डांस फॉर्म विदेश नहीं गया था, यूरोप गए थे पानी के जहाज में, मेरे गुरु लोग 13-14 साल के थे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर और आपके क्या बोलते उसको उदय शंकर जी, इनको दिखाया इस डांस को, तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा विजय प्रताप सिंधु को कि बाबा विजय प्रताप तुम्हार बाबा विजय तुम्हार डांस से सब कुछ आछे किंतु भाव नहीं। तो उन्होंने स्टोरी बेस्ट डांस को इंट्रोड्यूस किया, और आज देखिए जितने भी हम डांस करते हैं सरायकला छऊ के ट्रेडिशन में सब स्टोरी बेस करते हैं, उसमें भाव आ गई, क्योंकि जहां करेक्टर आ गया, स्टोरी आ गया, वहां भाव का प्रदर्शन हो गया, शुरू हो गया। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जब रामायण और महाभारत का भी हम लोग करते थे, और सबसे बड़ी चीज है कि ये 19वीं शताब्दी में 19th century में जब विजय प्रताप सिंह का आना हुआ, इसमें प्रवेश हुआ, विजय प्रताप सिंह ने कुछ ऐसी चीजों की क्रिएटिव काम करी कंटेम्प्रेरी थॉट की, जैसे पीकॉक, मयूर तो सभी डांस में है, लेकिन हमारा मयूर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक अलग मयूर है, क्यों कि उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएट्री है, आज के आमार मौन मयूर मोतन नाचे रे, वो कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने पीकॉक तैयार किया, ठीक है। एक लिखाया नाविक पोर्टमैन और उसकी वाइफ, उन्होंने क्या बोला
कि भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए एक सहधर्मिणी की आवश्यकता होती है। अगर सहधर्मिणी अच्छी होती है तो नैया पार हो जाता, नहीं तो नैया बीच में डूब मरता, क्योंकि जो सहधर्मिणी है वो पुरुष को आगाज करती है आगे आने वाला झंझट का, उसके तकलीफ को। तो उसको उन्होंने एक बोट में, बोटमैन और बोटमैन वाइफ और एक बोट में दिखा दिया, बताइए पूरी। और उन्होंने कहा कि इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार करने के लिए हम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, अकेले कोई नहीं पार कर सकता, उसको बहुत तकलीफ होता है। तो ये जैसे माइथोलॉजी में रात्रि सूत्र, रात्रि सूत्र ऋग्वेद का है, ऋग्वेद से उन्होंने रात्रि सूत्र के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि रात्रि सूत्र में तो केवल अंधकार ही अंधकार है, ये काली रात को, घनी रात को, डरावना रात को मैं कितने देर स्टेज में दिखाऊंगा। वो डांस कम से कम 17 से 18 मिनट का है, और वो 18 मिनट के अंदर में देखिए उनका सोच देखिए कहां डाल दिया उन्होंने जी। उन्होंने रात्रि सूत्र ऋग्वेद से लिया, रात्रि कैरेक्टर को लिया, उसमें बताया गया है कि रात्रि महामाया दुर्गा की रूप है, कितनी भयंकर है और कितनी शांत है, ये दो चीज दिखाया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ये तो अगर आम जनता के लिए मैं बनाऊंगा, आम जनता को दिखाऊंगा, तो आम जनता को उतनी गहरा में जाने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, देखो एक शॉर्टकट बताया कि इवनिंग होती है, संध्या होती है तो रात्रि की आगमन होती है, और रात्रि आती है तो चंद्रमा आता है, चंद्रमा नहीं होने से रात अच्छा नहीं लगता, कहता है चांदनी रात में रात बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुखद होती है। तो उन्होंने देखिए उनका अभिप्राय था कितनी भयंकर और कितनी सुखद, इसलिए उन्होंने क्या किया, संध्या को इंट्रोड्यूस किया और कहा ये संध्या वो संध्या नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं, ये संध्या एक हिंदू नारी की प्रतीक है जो हर दिन हर शाम को दिया जलाकर शंख बजाकर काल रूपी रात्रि का आह्वान करती है, और वो प्रेयर करती है कि माँ तू आ रही है हमें सुख और सुखद प्रदान करे। तो रात्रि आती है, रात्रि आने के बाद चंद्रमा आता है, तो उन्होंने कहा कि ये चंद्रमा वो चंद्रमा नहीं है, ये चंद्रमा है इस चराचर जगत का प्रतीक है, आप हो सकते हैं हम हो सकते हैं, क्योंकि रात्रि की गोद में सभी लोग सोते हैं, पशु पक्षी इंसान, और कितनी शांत सोते हैं, एक रात आप नहीं सोएंगे तो 10 दिन जगना पड़ता है, और एक रात सो जाएंगे तो 10 दिन आपका सुखद चलता है, तो कितनी सुखद है। तो इसलिए उन्होंने देखे कितनी अपने विचार को बदल के एकदम कंटेम्पररी की ओर ले गया। इसीलिए रिचर्ड सेजनर बोल के एक स्कॉलर आए थे अमेरिका से, मैं उनसे मिला हूँ, हम गुरुजी से, उन्होंने कहा था कि सरायकला छऊ जितना ट्रेडिशनल है उतना कंटेम्पररी है, उतनी कंटेम्पररी थॉट का। तो जैसा मैंने शशाधर जी के परिचय में आपको बताया था कि वो छऊ के पहले कलाकार हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, और बहुत अच्छी बातचीत अभी तक की रही जिसमें हमने छऊ नृत्य को बहुत विस्तार से समझा। यहां पर एक ब्रेक ले रहे हैं, कल रात ठीक 9 बजे हमसे फिर जुड़िएगा और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा।